अभी परिक्रमा पथ पे सभी साधु संत परिक्रमा करते हुए यह वृंदावन की रज में सभी साधु संत रमते हुए सभी आज परिक्रमा कर रहे हैं। और यहाँ पे एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में सभी लोग इस पेड़ का भी परिक्रमा करते हुए निकलते हैं, जिन्हें पता है इस पेड़ की भी परिक्रमा करते हैं। और सभी श्रद्धा राधे, जिन साधु संत को पता है कि पेड़ का भी वट वृक्ष का भी परिक्रमा करते हुए सभी श्रद्धालु इस परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ते हुए राधे राधे कहते हुए हम सभी इस आश्रम में श्री हरि नाम कृपा कुंज में रुके हैं आज, और यहाँ पर इस पेड़ की भी परिक्रमा कर रहे हैं। और सभी श्रद्धालु परिक्रमा की प्रक्रिया को संपन्न कर रहे हैं। आइए पूछते हैं किसी यात्री से इस परिक्रमा की महत्ता और वृंदावन की रज में सभी पैदल भी यहाँ पे परिक्रमा पथ पे देखो एक बुजुर्ग महिला भी आ रही है जो इस पेड़ की भी परिक्रमा कर रही है। और इस परिक्रमा पथ पे अद्भुत दृश्य देखने आप सोलंकी फैमिली व्लॉग्स चैनल को देख रहे हो। अच्छा, चैनल है, कुछ बताएं व्यू के बारे में, परिक्रमा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? परिक्रमा का अपना श्रद्धे कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ स्टार्ट करोगे वहीं एंड हो जाएगा, जहाँ से स्टार्ट करें वहीं एंड हो, किसी परिक्रमा परिक्रमा की नहीं, जहाँ से आपकी श्रद्धा वहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, जहाँ आपको श्रद्धा है वहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। अच्छा, कितने घंटे में पूरी हो जाती है? अनुमानन लगभग 2 घंटे में पूरी हो जाती है। और हाँ जी, हमारे लगभग 2 घंटे पूरी हो जाती है। आप आए हो? मैं मथुरा से आया हूँ। मथुरा से आए? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, मथुरा से। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? सोलंकी फैमिली ब्लॉक है, और सोलंकी फैमिली ब्लॉक पे आप कुछ कहना चाहेंगे? इस परिक्रमा पथ पे आप परिक्रमा कर रहे हो, युवा अवस्था में श्रद्धा है आपको? जी, हमारी परिक्रमा ये तो ये है, ये रोज डेली लगती है, लेकिन जो अत्यधिक जो भीड़ वगैरह रहती है वो ये है, हर एकादशी पे ज्यादा भीड़ रहती है। हम भी एकादशी पर ही परिक्रमा लगाते हैं, यहाँ पर जो है अटल्ला चुंगी से स्टार्ट करते हैं और वहीं हमारी समाप्त होती है परिक्रमा। थैंक यू बहुत। राधे राधे, श्री हरिदास। वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं जी? ये कितना किलोमीटर में परिक्रमा? ये 15 किलोमीटर में। 15 किलोमीटर में तो ये वृंदावन जो, इसकी क्या महत्ता है, आपको क्या जानकारी है इसकी? मतलब ये महत्ता है, मतलब परिक्रमा, हमारे गुरु जी कहते हैं कि मतलब भगवान से जुड़े रहने हैं तो भगवान के चक्कर काटते रहो, मतलब जी भगवान से जुड़े रहे हैं, मतलब परिक्रमा का मतलब है कि भगवान के चक्कर काटना, मतलब तो बार बार मतलब अपन आते रहे और भगवान के चक्कर काटते रहे, बस यही प्रार्थना है। तो वृंदावन में भी परिक्रमा होती है और वहाँ वो गिरिराज जी की वो अलग है, वो मथुरा जाके मथुरा से जाना पड़ता है वो। जी जी, वो 84 कोस की है, ये 15 कोस 15 किलोमीटर की, ये 15 किलोमीटर की है, और वहाँ की है और वो गिरिराज जी की है। ओ, ये दोनों परिक्रमा अलग अलग है, जिसकी महत्ता है कि इनके शरण में आने से बार बार आप आओ और इनके भगवान के ही चक्कर काटते रहो, बस जी भगवान के चक्कर काटो। बहुत अच्छी श्रद्धा है आपको भगवान के प्रति, ये सभी श्रद्धालु अभी देखें, वट वृक्ष की भी पूजा होती है, ये सनातनी है और ये वट वृक्ष की पूजा करते हुए सभी सनातनी आप देख रहे हो, यहाँ परिक्रमा की लंबी लाइन लगी हुई है काफी दूर तक। और ये सभी कुछ कहना चाह रही थी। 15 जने आए हम लोग, 15 सखियां आई है, 15 सखियां है राजस्थान से। बहुत अच्छा। कहाँ से? राजस्थान से, पाली जिला से। पाली जिला से, पाली जी, जी। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आए जी, सब अलग अलग जगह से आए सब। जी जी, मैं राजस्थान उदयपुर से आई हूँ और यहाँ पे तो अच्छा है, 2-3 बार आई, तीसरी बार आई हूँ और अच्छा लगता है इधर। हाँ, कितनी बार आप आई हो? तीसरी बार आई हूँ। तीसरी बार आप आई, सौभाग्यशाली हो। तीसरी बार आए और 3 बार भी 10-10 दिन हुए हमको। आज का हमारा टिकट है, बिहारी जी का दर्शन भी बहुत अच्छे है, इधर प्रेम मंदिर भी अच्छा है, इस्कॉन मंदिर भी अच्छा है, सब दर्शन भी बहुत अच्छे है, सब लोग संत लोग भी अच्छे है, सब
बस राधे राधे। निष्ठङ्ग सानगोलं पुरुषं एवदे शान्तागारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं सदीशं मेघवर्णं सुभानगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारध्यानगव्यं वन्दे विष्णु। केसी घाट पे आए हैं, इस केसी घाट पे स्नान करते हुए सभी श्रद्धालु नमस्तनंताय सह केसी घाट पे जमुना स्नान करते हुए राधे राधे सहस्त्र नाम ने पुरुष राधे शाश्वती शास्त्री जी सहस्त्र कोटि युग धार नमः हरि ओम महस्वते नैन्द्र वृद सर्वासति न भूखा विषवेदा स्वति न तारक्षो अरिष्ट नेमि स्वस्ति नो वीरस्पति दधातु भय पृथ्व्यं भयौ कदीशोपयोदिव्यन्तरिक्ष भयोधा भय श्रुति प्रदेश शान्तो मह्यं मह विष्णोरराजमसि विष्णो सनपतेस्तो विष्णो शिवरसि वैष्णवो बोलो जमुना मैया की जय। आरती करो जमुना की, आरती करो गंगा की, आरती करो जमुना की, आरती करो जमुना की, कर्पूर गौरं करुणाय अवतारं नमः। बोलो जमुना किसी घाट पे जमुना स्नान करते हैं शास्त्री जी के साथ। हम सभी यहाँ पे देख रहे हैं नर्मदा सिंधु जले अश्विनी कावेरी जले जमुना जी ने स्नान करते हुए इस वृंदावन के जमुना तट पे सभी श्रद्धालु श्रद्धा पूर्वक राधे राधे कहते हुए आपको आगे ले चलेंगे दर्शन करेंगे राधे रमन मंदिर को। अभी हम सब राधा रमन मंदिर आए हैं और राधा रमन मंदिर में काफी भीड़ दर्शकों का, ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पे राधा रमन मंदिर में दर्शन करने आए हैं। जय जय राधे, 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 जय राधे, जय राधे। नहीं 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 नहीं, ठाकुर श्री ललित गोपाल मंदिर। जय ठाकुर जी, जय ठाकुर, जय जय ठाकुर।
राधे कृष्णा राधे कृष्णा हे राधे कृष्णा 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 जय जय राधे कृष्णा जय जय राधे कृष्णा जय जय राधे कृष्णा हे राधे कृष्णा। ये सारे श्रद्धालु हरि लो जय जय राधे हे राधे जय जय राधे लंबी लाइन और वन की दर्शन कर रहे हैं वृंदावन निधि वन। राधे राधे सभी को राधे राधे जय जय राधे निधि वन की हरे कृष्णा। आप आज यहाँ पे निधि वन पे हैं, ये एक बहुत बड़ा पुण्य क्षेत्र है और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे जितने भी आप वृक्ष देख रहे हैं यहाँ पे ये सारे वृक्ष रात में गोपिकाओं के रूप ले लेती हैं, गोपिका रूप ले लेती हैं और ये सारे रास लीलाओं में भाग लेते हैं। जी जी। तो ये साक्षात रोज हर रोज यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे रास लीला का होता है। सामने क्या है वो? ये सामने हरिदास ठाकुर का यहाँ पे हरिदास ठाकुर यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने मतलब ये जाप 2 लाख जाप भी कर देते थे। ऐसा है बहुत अच्छा लगा। आप सोलंकी फैमिली व्लॉग चैनल यूट्यूब देख रहे हैं, आपका धन्यवाद, आपने थोड़ा व्यू दिया और अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे रंग महल के पास आ चुके हैं सभी दर्शक श्रद्धालु। रंग महल के पास पहुंचकर अभी राधा रानी की श्रृंगार महल पे पहुंच के आपको दर्शन कराएंगे। ये श्रद्धालुओं का काफी लंबी भीड़, ये लंबी भीड़ श्रद्धालुओं का नीज बिहारी हरिदास मंदिर को श्रृंगार महल के नाम से जाना जाता है। इस श्रृंगार महल में आप सब सोलंकी फैमिली ब्लॉग यूट्यूब चैनल देख रहे हो। आप सभी सबको निधि वन से दर्शन करा रहे हैं और इस निधि वन में सभी श्रद्धालु अष्ट सखी हैं और ये अष्ट सखी के तौर पे ही का पूजन होता है और ये अष्ट सखी आपको अष्ट सखी आज सखियों में है जो कृष्ण भगवान का अष्ट सखी है और साथ में ये उन सखियों में से 4 सखियों का दर्शन कर रहे हैं। राधे 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 सभी दर्शक यहाँ अष्ट सखियों का दर्शन करते जिसमें 4 सखी इधर है और 4 सखी आगे मैंने दिखाया। इन अष्ट सखियों का आप दर्शन कर रहे हैं जो खास कृष्ण भगवान की अष्ट सखियों में से है और ये 4 उस तरफ और 4 इस तरफ। ये अष्ट सखी कृष्ण भगवान की खास सखी मानी जाती सखी को दर्शकों को वंशी चोरी राधा रानी लिए ये दुनिया वृंदावन वृंदावन जो बोल करके आते हैं और मेन वृंदावन वो ही है और जिस बंदे से उसी को प्रकट करके वहाँ बैठाया है और उसी के लिए आप वृंदावन आते हो। वही बंसीवत वही राजा जी का वो पेड़ जो यशोदा पुत्री को बांध देती थी वही भगवान का घर है। जूते चप्पल पहन लेना और आप कृष्ण के घर चल रहे हैं, आप भी चलिए वहीं का प्रसाद लेना। ये चीर घाट है यहाँ और यहाँ जमुना जी और ये जमुना जी के पास चीर घाट पे जैसा कि बताया गया है कृष्ण भगवान ने इस पेड़ पे सखियों का स्नान करते समय वस्त्र रख के बैठकर और थोड़ा सा अपना लीला किए थे, जिस पेड़ को देखना बहुत शुभ होता है। यह चीर घाट पे उपस्थित पेड़ है और यहाँ लिखा है नमामि गंगे कोशिश रंग ला रही है चीर घाट
विशाल प्रोटेक्शंस, ये चीरघाट है और ये वो पेड़ है कदम का। जय राधे राधे, जय राधे कृष्णा, जय राधे कृष्णा। वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। अभी अब पट लग चुका है, पट लग चुका है राधा बल्लभ का, और थोड़ी देर बाद दर्शन होगा और हमें लिस्ट भी लेंगे।